हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे न्यू चैप्टर को, जो कि है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट को जानते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या है। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो बैलेंस डाइट जो है वो सारे एडिबल थिंग जो हम खा सकते हैं, जो कि सारे एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल और वाटर को करेक्ट पोर्शन में कंटेन करें, उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज द बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट। उसके बाद में बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए एसेंशियली, तो देखिए बैलेंस डाइट में आपके जितने भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, वो सब एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। सेकेंड, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड का। जैसे कि हमारा जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो 1:1:4 के रेशियो में प्रेजेंट होने चाहिए। फूड जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और हमें ना हमेशा कुक्ड फूड खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुक्ड फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट, द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट एंड ऑल। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो है वो एक साइंस ऑफ फूड है एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। देखो, इसको अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड विच डील्स विद द डायनामिक प्रोसेस इन विच फूड कंज्यूम्ड इज डाइजेस्टेड, न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेशन एंड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी। देखिए, कहने को तो न्यूट्रिशन को हमने सिंपल एक लाइन में बोल दिया कि ये एक साइंस ऑफ फूड है और रिलेशन टू हेल्थ है, लेकिन अगर हम इसको डीप में समझें तो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, जिसमें क्या होता है, एक डायनामिक प्रोसेस होती है जिसमें हम सबसे पहले फूड को खाते हैं, तो फिर उसको डाइजेस्ट होता है वो हमारा फूड, फिर जो फूड के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, और फिर जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट टिश्यूज में, क्योंकि उनकी यूटिलाइजेशन होने के लिए, फिर जो वेस्ट निकल कर आता है वो बॉडी डिस्पोज कर देती है ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम बल्क में लेते हैं, जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं अपनी बॉडी में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कम अमाउंट पे कंज्यूम होते हैं बॉडी में। ओके,